हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग। आई एम प्रिया मेहता और हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 की हिस्ट्री का चैप्टर 5, शासक और इमारतें। सबसे पहले जो हम इसमें इमारत आज करने वाले हैं वो है कुतुब मीनार। बहुत बार आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। कुतुब मीनार एक 5 मंजिली इमारत है, यानी 5-स्टोरेड बिल्डिंग है, जिसका निर्माण 1199 में यानी 1199 में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अब जब उन्होंने निर्माण कराया तो उन्होंने केवल एक ही मंजिल का निर्माण करवाया था। उसके बाद की जो शेष मंजिलें यानी 4 स्टोरीज जो बाकी रह गई थी वो 1229 में 1229 में इल्तुतमिश द्वारा उसका निर्माण हुआ था। अब कई वर्षों में इस इमारतों में काफ़ी नुकसान भी हुआ, इसको काफ़ी क्षति पहुँची आंधी तूफान के कारण, भूकंप के कारण। और उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी जब आए तो उन्होंने अपने अपने समय में इस इमारत की रिपेयर करवाई, मरम्मत करवाई। और जैसा कि आप फ़ोटो में देख सकते हैं, पिक्चर जो आपको बुक में दी है उसमें आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग जो है एक राउंड शेप में थी, घुमावदार थी, और साथ ही साथ घुमावदार होने के बाद इसमें कोनिकल थी। ये जैसे आप देख रहे हैं ना, राउंड तो है लेकिन राउंड के साथ साथ कोण भी है इसमें। तो ये जो बिल्डिंग थी ये घुमावदार और कोणीय है। इसके अलावा छज्जे के नीचे आप 2 पट्टियाँ अभिलेखों की भी देख सकते हैं। अभिलेख यानी कुछ रिटन में रिकॉर्ड लिखा हुआ था, और ये जो अभिलेख है ये अरबी भाषा में लिखे गए थे, इट वॉज़ रिटन इन अरबिक लैंग्वेज। साथ ही जो जिस तरह हम बिल्डिंग को देख रहे हैं तो इसके जो कारीगर थे जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनाया था वो बहुत ही योग्य कारीगर थे, तभी तो इतनी सुंदर बिल्डिंग को बना पाए वो। और उस समय की जो बिल्डिंग्स थी वो ईंट पत्थरों से बनी हुई, बहुत कम बिल्डिंग्स ऐसी देखने को मिलती थी। और 8 से लेकर 18वीं शताब्दी तक यानी 8th to 18th century के बीच में जो समय था, उस समय मेनली 2 तरह की बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाता था। यानी इमारतें जो थी वो 2 तरह की होती थी मेनली। पहली तरह की इमारत जो बनाई जाती थी वो थी आराम विराम की भव्य जगहें, यानी कि जहाँ पर लोग आकर रेस्ट कर सकते थे, रहते थे लोग जहाँ पर, जैसे कि किले, महल, मकबरे आदि। लेकिन जो दूसरी श्रेणी थी यानी दूसरी तरह की जो इमारतें बनाई जाती थी वो थी मंदिर, मस्जिद, कुएं, सराय, बाज़ार आदि, यानी कि ऐसी इमारतें जिसका उपयोग, जिसका यूज़ जो था वो जनता के लिए था, यानी सभी लोग उसका इस्तेमाल कर सकते थे। अब उस समय क्या था कि जो राजा थे उनसे ये उम्मीद की जाती थी, अपेक्षा की जाती थी कि वो अपनी प्रजा का ध्यान रखेंगे और प्रजा के यूज़ के लिए, प्रजा की हेल्प के लिए ऐसी ऐसी इमारतें बनाएंगी जहाँ पर प्रजा जो है वो आराम कर सके और प्रजा को भी उसका कहीं ना कहीं लाभ उठा सके प्रजा। और बदले में राजा क्या चाहते थे कि मेरी प्रशंसा हो। ऐसा तो होता ही है, जब कोई काम करता है तो उसको लगता है कि मेरी प्रशंसा हो, तो राजा इस उम्मीद में कि उसका नाम होगा वो ये सब काम करते थे। अब इस तरह जो निर्माण कार्य होते थे उस समय, जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती थी उसमें व्यापारी लोग जो थे वो काफ़ी योगदान देते थे, मंदिर, मस्जिद, कुएं आदि वो बहुत ज़्यादा बनवाते थे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है अभियांत्रिकी कौशल और निर्माण कार्य। अभियांत्रिकी कौशल यानी इंजीनियरिंग स्किल्स और निर्माण कार्य यानी कंस्ट्रक्शन। अब उस समय के स्मारकों को अगर हम देखें तो ये पता चलता है कि उस समय शिल्प विज्ञान जो था वो बहुत ही अच्छा था। जितने भी मॉन्यूमेंट्स उस समय बने थे उनको देखते ही लगता है कि टेक्नोलॉजीज़ वर वेरी गुड ड्यूरिंग दैट टाइम। अब आज के समय में आपने घर बनते हुए देखा होगा तो 4 दीवारी पर जब हम छत लगाते हैं तो उसको एक तरह से सपोर्ट दी जाती है लकड़ी की, है ना। लेकिन छोटे छोटे कमरों में, छोटे घरों में तो ये करना बहुत आसान है, लेकिन उस समय के जो बहुत ही विशाल कक्ष उस समय बनाए जाते थे, बहुत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाए जाते थे, इतना उनका एरिया इतना वाइड होता था, बहुत विस्तृत अधिरचना होती थी उस समय, तो उसके लिए बहुत ही परिष्कृत कौशल की ज़रूरत होती थी, यानी बहुत रिफाइंड स्किल्स की ज़रूरत होती थी उसके लिए। जो आर्किटेक्ट थे और जो कारीगर लगे हुए थे वहाँ पर, उनकी बहुत ही एक्सपर्टीज़ चाहिए होती थी कि जो एक्सपर्ट होता था वही कर पाता था ये सब। अब 7th से लेकर 10th century के बीच में जितने भी वास्तुकार जिन्होंने भवनों का निर्माण करवाया तो उन्होंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा कमरे, दरवाजे और खिड़कियाँ बनाने लग गए थे, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी, कम बनाते थे। और उस समय भी छत, खिड़की और जो दरवाजे थे वो 2 उधरवादर खंभों के आर पार अनुप्रस्थ शहतीर रखकर बनाए जाते थे। अब इसका मतलब समझिए, उधरवादर खंभे यानी कि हमारे वर्टिकल पोल्स, यानी जिस तरह 2 खंभे खड़े किए जाते हैं जो आपको ब्लैक कलर में दिख रहे हैं,
और अनुप्रस्थ शहतीर रखकर, यानी जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है जो टेढ़ी करके हम रखते हैं खम्बा, उसको कहते हैं अनुप्रस्थ शहतीर। तो इस तरह से ये जो वास्तुकला की जो शैली है इसे अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहा जाता था और इंग्लिश में इसे कोरबेल्ट या ट्रेबिएट कहते थे। अब यही जो वास्तुकला की जो ये शैली थी ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती थी, मंदिरों में, मस्जिदों में, मकबरों में और सीढ़ीदार कुओं में, और इसका इस्तेमाल 8th से लेकर 13th सेंचुरी के बीच में हुआ करता था। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण, यानी 11th सेंचुरी में टेम्पल कंस्ट्रक्शन किस तरह से रहता था। ये जो टेम्पल आप पिक्चर में देख सकते हैं ये टेम्पल है कंदरिया महादेव का मंदिर, यानी शिवजी का बहुत बड़ा मंदिर है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो चंदेल राजवंश के राजा थे, राजा धंगदेव, उन्होंने 999 ईस्वी में इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। अब उस समय भी क्या था कि मंदिरों की जो कंस्ट्रक्शन है वो तो देखते ही पता चल रहा है कि वो सिर्फ अनप्लान्ड नहीं थी बल्कि उसके लिए भी बहुत अच्छे से प्लानिंग की जाती थी। और साथ ही में जो आप नक्शा देख रहे हैं वो मंदिर का नक्शा है, जिससे हमको क्या पता चल रहा है कि एक अलंकृत द्वार, यानी एक ऑर्नामेंटल बहुत सजा हुआ एक गेट है जिससे प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं। कहाँ पहुँचते हैं एंटर करके? मुख्य सभा में। मुख्य सभा का जो भवन है जिसे महामंडप कहा जाता था और यहाँ पर नृत्य आदि का आयोजन किया जाता था। और जो भगवान की मूर्ति थी, जो मुख्य देवता की मूर्ति थी, वो मंदिर के मुख्य भाग में रखी जाती थी, जिसे गर्भगृह कहकर बुलाया जाता था। गर्भगृह जहाँ पर देवता का मूर्ति रखी जाती थी और जितने भी धार्मिक यज्ञ और अनुष्ठान किए जाते थे वो इसी जगह पर गर्भगृह में होते थे, जहाँ पर सिर्फ राजा और उसके निकटतम परिवार जो उसके क्लोज फैमिली मेम्बर्स थे वो रहते थे, और साथ में पुरोहित यानी पंडित जी जो पूजा करवाते थे वो रहते थे। अब उस समय जो खाजुराहो समूह में मंदिर थे वो बहुत राजकीय मंदिर थे, यानी खाजुराहो में जो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स थे दे वर वेरी रॉयल टेम्पल्स, बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छे मंदिर थे। और उस समय आम जो जनता थी, यानी जो राज परिवार से नहीं थे, उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती थी। और उस समय भी मंदिर के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी जिससे मंदिर हमेशा सुशोभित रहता था। नेक्स्ट पिक्चर जो आप देख रहे हैं वो है तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर की। इस मंदिर की खास बात ये है कि जो इसका शिखर था, यानी इसका जो टॉप था, वो इतना ऊंचा था कि इसके इतने ऊंचे टॉप पर एक 90 टन का पत्थर ले जाना कितना भारी रहा होगा और कितना मुश्किल हुआ होगा। उस समय तो कोई क्रेन थी नहीं, तो कैसे ये पत्थर उन्होंने ऊपर तक पहुँचाया होगा। उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो वास्तुकार थे उन्होंने मंदिर के छत तक पहुँचने के लिए एक चढ़ाईदार रास्ता बनाया, और रोलर जो आज की डेट में हम देखते हैं सड़कों पर, रोलर जो थे उसकी सहायता से उस 90 टन के पत्थर को ऊपर तक ले जाया गया। और इसलिए कि अगर बिल्कुल सीधा रास्ता बना देते तो चढ़ाई और मुश्किल लगती, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाया जो कि 4 किलोमीटर लंबा ज़रूर था, लेकिन उससे रोलर की सहायता से इतना भारी पत्थर जो था वो ऊपर ले जाने में थोड़ा सा ईजी हो गया उनको। अब मंदिर जब बन गया था तो उसे किसी कारणवश गिरा दिया गया, यानी ड्यू टू सम रीज़न द टेम्पल वॉज अगेन डिमोलिश्ड। उस समय क्या था कि लोगों ने, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कार्य किया था, उनको काफ़ी अनुभव, काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया था क्योंकि बहुत लंबा समय लगा था इस मंदिर को बनने में। इसलिए आज भी उस गांव को जहां पर वो मंदिर बनाया गया था उस गांव को चारुपल्लम कहा जाता है। चारुपल्लम का अर्थ है चढ़ाईदार रस्ते का गाँव, यानी विलेज ऑफ इंक्लाइन। 12th सेंचुरी तक आते आते जो निर्माण कार्य था उसमें दो तरह के परिवर्तन दिखाई दिए, पहला प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजिकल, और दूसरा शैली यानी स्टाइलिस्टिक। अब ये चेंजेस क्या थे, सबसे पहला तो था कि जब दरवाजे और खिड़कियां के ऊपर जो अधिरचना का जो भार था वो मेहराबों पर डाल दिया जाता था, यानी जिस तरह आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो दरवाजे खिड़कियों के ऊपर का जो भार है वो आँख के ऊपर यानी मेहराबों के ऊपर डाल दिया जाता था। और इस तरह का जो वास्तुकला का ये जो सिस्टम था इसे हिंदी में चापाकार और इंग्लिश में इसे आर्क्यूएट कहते थे। इंग्लिश में आर्क्यूएट और हिंदी में चापाकार कहते थे, इसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। और दूसरे तरह का जो चेंज था वो था कि बाद में चूना पत्थर और सीमेंट का प्रयोग होने लगा था जो कि पहले नहीं होता था। अब ये जो सीमेंट था ये बहुत अच्छी क्वालिटी का सीमेंट होता था जिसमें पत्थर के टुकड़े और
कंक्रीट पत्थर के जो टुकड़े थे उनको मिलाकर कंक्रीट बनाई जाती थी, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत मजबूत होता था और इससे बहुत बड़े बड़े ढांचे का निर्माण किया जा सकता था और वो भी बहुत ईजी और बहुत जल्दी किया जाता था। यानी इससे वर्क जो था उसकी स्पीड भी बढ़ गई और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो कंस्ट्रक्शन थी वो होने लगी। अब इस तरह से आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि किस तरह से आर्क सिस्टम जो था वो काफ़ी उस समय ट्रेंड में आने लगा था, यानी जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी वो बहुत ज़्यादा आर्क की तरह होने लगी थी, मेहराब बहुत ज़्यादा बनने लगे थे। आज हम इस चैप्टर का इतना ही पार्ट करेंगे। अगले पार्ट्स में हम मंदिर, मस्जिद और हौजों के निर्माण के बारे में सीखेंगे और देखेंगे कि मंदिर को नष्ट क्यों किया गया था, क्या सब हुआ था। तो अगले पार्ट को देखना बिल्कुल ना भूलिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, यू विल एंजॉय इट। सो सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।